ड्रैगन की जो सोच है वो विकास से ज्यादा विनाश वाली है। अब वो नया ट्रेन बना रहा है कि वहां से न्यूक्लियर अटैक कर देगा। न्यूक्लियर ट्रेन ड्रैगन का डेंजरस गेम, वो हम आपको समझाते हैं कि कैसे वो ट्रेन के जरिए ये खतरनाक खेल को अंजाम देने वाला है। न्यूक्लियर मिसाइल ट्रेन पर भी काम कर रहा है चीन। ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि न्यूक्लियर मिसाइल ट्रेन पर अब काम करना शुरू कर दिया ड्रैगन ने। 37,000 किलोमीटर की रेल लाइन से हमला करने का एक्शन प्लान तैयार किया है। सोचिए ये कितनी लंबी दूरी है, 37,000 किलोमीटर, और रेलवे ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन से हमला कर सकता है चीन। ये पूरे उसके ब्लूप्रिंट में है। समुद्र के न्यूक्लियर वेपन्स पर भी काम कर रहा है चीन। समुद्र के न्यूक्लियर वेपन्स पे चीन काम कर रहा है और चीन के पास 4 टाइप 94 न्यूक्लियर सबमरीन अभी भी मौजूद हैं। ये 4 टाइप 94 सबमरीन है और 7200 से 9000 तक परमाणु हमला करने में सक्षम सबमरीन है। तो मैं अपने मेहमानों से, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे ये पूछता हूं कि ये इतनी बड़ी क्षमता, 34,000 किलोमीटर की दूरी तक वार करना, मतलब वो वार कर सकता है अपने ट्रेन से, तो इसको क्या समझा जाए? अब कहां दुनिया जा रही है विनाश की? सर, इस न्यूक्लियर ट्रेन के बारे में बताइए, ये जो ड्रैगन अब न्यूक्लियर ट्रेन बनाने की योजना कर रहा है, क्या उसके हमले के तहत ये बड़ा काम किया जा रहा है? ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने की जो तरफ जो कदम है, ये अलग अलग तरह से किया जाता है। देखिए, न्यूक्लियर ट्रायड में तीन चीजें होती हैं, आपकी एयर डिलीवरी, लैंड डिलीवरी एंड सी डिलीवरी। तो इस समय चाइना के पास जो है मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी है वो लैंड डिलीवरी है, लैंड मिसाइल्स। आप देखिए डीएफ सीरीज की जितनी मिसाइल हैं, DF-9, 21, 41 नाउ ऑल आर लैंड बेस्ड मिसाइल, विच सम ऑफ देम ही इज गिवन टू पाकिस्तान ऑल्सो। उसकी जो एयर डिलीवरी है बहुत लिमिटेड है, जो एक्चुअली अब ये जो लैंड डिलीवरी सिस्टम है, इसको दूर तक ले जाके अलग अलग जगह पे डिस्पर्सल करने के लिए, ताकि उन पर अटैक हो तो वो सेफ्टी हो सके, उनको डिस्पर्स किया जाता है, उसके लिए न्यूक्लियर डिस्पोजल ट्रेन है, इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो हम अपने गेस्ट से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर ड्रैगन कोई कार्रवाई कर रहा है या फिर कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो उसके पीछे के मायने क्या हो सकते हैं। अरी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।